नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। 15 जुलाई तक जारी होंगे CBSE और ICSE के नतीजे। असेसमेंट स्कीम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। पीएम मोदी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान। बोले, योगी सरकार ने बचाई कम से कम 85,000 जाने। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 17,296 नए मामले, 407 की मौत। लगातार 20 दिनों से महंगा हो रहा तेल, दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल 21 पैसे और डीजल 17 पैसे महंगा हुआ। पुलवामा मुठभेड़ में 3 आतंकियों का सफाया, हिजबुल के टॉप कमांडर कासिम जुगनू का भी हुआ खात्मा। जेपी नड्डा का आरोप, यूपीए कार्यकाल में प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को किया गया डोनेट। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिली भारी राहत, अब टीए क्लेम लेने के लिए बोर्डिंग पास जमा करना जरूरी नहीं। कांगड़ा में 6 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, बैजनाथ में थे भर्ती। हिमाचल में बन रहा है कोरोना के इलाज का इंजेक्शन, अगले माह तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद। हिमाचल में बसों में 100% सवारियां बैठाने को जयराम सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और CBSE को COVID-19 वैश्विक महामारी के कारण 10वीं और 12वीं की शेष बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने और जुलाई में होने वाली परीक्षाओं के लिए छात्रों को मार्क्स देने की उसकी मूल्यांकन योजना पर आगे बढ़ने की शुक्रवार को मंजूरी दी है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने CBSE को परीक्षाओं को रद्द करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी। केंद्र और CBSE की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मूल्यांकन योजना बोर्ड परीक्षाओं के पिछले 3 विषयों में छात्रों द्वारा हासिल किए गए अंकों पर आधारित होगी। CBSE और ICSE दोनों ने शीर्ष अदालत को बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे 15 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। आज अगर हम अपने नागरिकों का जीवन बचा पा रहे हैं तो ये भी बहुत संतोष की बात है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का लक्ष्य रोजगार प्रदान करने, स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक संगठनों और अन्य संस्थानों को साथ जोड़ना है। पीएम मोदी ने प्रदेश के 6 जिलों के ग्रामीणों से संवाद किया। राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण साझा सेवा केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इस अभियान के उद्घाटन के साक्षी बने। पीएम ने कहा, श्रम की ताकत हम सभी ने महसूस की है। श्रम की इसी शक्ति को आधार बनाकर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया। देश में अभी भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 17,296 नए मामले सामने आए हैं और 407 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,90,401 हो गया है, जिसमें से 15,301 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि कोरोना से अब तक 2,85,637 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या 1,89,463 है। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक 25 जून तक 77,76,228 टेस्ट किए जा चुके हैं। 25 जून को ही 2,15,446 टेस्ट किए गए थे। महाराष्ट्र में गुरुवार को 4,841 नए मामलों के साथ सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। गुरुवार को मौत का आंकड़ा 192 रहा, हालांकि इसमें पहले हुई 83 मौत भी शामिल है। देश में पिछले 20 दिनों से डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई। तेल विपणन कंपनियों ने कीमतों में आज फिर इजाफा किया है। यहां देखने वाली बात ये है कि राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा है। भारतीय इतिहास में पहली बार डीजल 80 के पार पहुंचा है। लोग दामों में बढ़ोतरी का विरोध भी कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को पेट्रोल की कीमत में 16 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 79.92 रुपए पहुंची थी। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल 21 पैसे और डीजल 17 पैसे महंगा हुआ है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.13 रुपए प्रति लीटर हो गई है, वहीं डीजल की कीमत 80.19 रुपए प्रति लीटर हो गई है।
IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 81 रुपए 82 पैसे, 86 रुपए 91 पैसे और 83 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में हिजबुल के टॉप कमांडर कासिम शाह उर्फ जुगनू का भी खात्मा हो गया है। मोहम्मद कासिम शाह उर्फ जुगनू के साथ ही वासित अहमद पारे और हारिस मंजूर भट्ट को भी मार गिराया गया है। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि सुरक्षा बलों को गुरुवार को पुलवामा जिले के त्राल के चेवा उल्लर इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों ने खुद को घिरा देखकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करने से पहले जवानों ने आतंकियों से समर्पण करने के लिए कहा, बावजूद इसके आतंकियों की ओर से फायरिंग जारी रही। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, हालांकि रात में अंधेरा होने के कारण ऑपरेशन रोक दिया गया था। सुबह एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने 3 आतंकियों को मार गिराया, वहीं 2 जवानों के घायल होने की भी सूचना है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि यूपीए कार्यकाल में प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा डोनेट किया गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सोनिया गांधी। उन्होंने कहा कि संकट में लोगों की मदद करने के लिए बना प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड यूपीए के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान कर रहा था, इसलिए यह पूरी तरह से निंदनीय है। नड्डा ने कहा, देश के लोगों ने जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में दान किया। इस सार्वजनिक धन को परिवार चलाने की बुनियाद में इस्तेमाल करना न केवल एक धोखाधड़ी है, बल्कि देश के लोगों के लिए भी एक बड़ा धोखा है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा, पैसे के लिए एक परिवार की भूख ने देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस के शाही राजवंश ने आत्म लाभ के लिए अनियंत्रित लूट की, इसके लिए उन्हें माफी मांगने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारी राहत दी है। दफ्तर के काम से होने वाले टूर और लीव ट्रेवल अलाउंस की रकम क्लेम करते वक्त अब उनको हवाई जहाज का बोर्डिंग पास देना अनिवार्य नहीं रहा। पहले इस तरह के किसी भी क्लेम के लिए बोर्डिंग पास, जिसमें सिक्योरिटी चेक का स्टाम्प लगा हो, अकाउंट ऑफिस में जमा कराना होता था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी टूर या फिर LTA के क्लेम में आवेदन के साथ बोर्डिंग पास लगाना जरूरी नहीं है। अब कर्मचारी सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लगा देंगे कि उन्होंने यात्रा की है और फॉर्म में जरूरी जानकारी भर देंगे, बस इसी से काम चल जाएगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्पष्ट किया है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बोर्डिंग पास नहीं दे पाता है तो इस प्रोफार्मा को भरकर अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से साइन कराकर जमा करेंगे। हिमाचल में कोरोना वायरस के मामलों में भले ही बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन उतनी ही तेजी से लोग भी ठीक हो रहे हैं। शुक्रवार सुबह की अपडेट के मुताबिक जिला कांगड़ा में 6 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। इसमें 25 वर्षीय स्थेरा निवासी पुरुष, 48 वर्षीय घिलोर निवासी पुरुष, 57 वर्षीय भवारना निवासी पुरुष, 25 वर्षीय ज्वालामुखी निवासी, 25 वर्षीय 24 वर्षीय कुहना निवासी पुरुष शामिल है। ये सभी बैजनाथ कोविड केयर सेंटर में भर्ती थे, जहाँ उनकी आज कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
इन सभी को 7 दिन के होम क्वारंटाइन की सलाह के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। बता दें हिमाचल में कोरोना के 839 कुल मामले हैं, एक्टिव केस 339 रह गए हैं। अब तक 484 लोग ठीक हुए हैं और 7 की मौत हुई है। कोविड 19 से पार पाने के लिए एक इंजेक्शन हिमाचल में बन रहा है। सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र BVN की एमएक्यू लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड को इसके लिए लाइसेंस मिला है। रेमडेसिविर नाम के इस इंजेक्शन को पहले इबोला वायरस से पीड़ित मरीजों पर इस्तेमाल किया जाता था। अब कोविड 19 उपचार के लिए इसके ट्रायल में परिणाम चौंकाने वाले सामने आए हैं। इंजेक्शन से 40% तक सुधार देखा गया है। अभी इसका ट्रायल जारी है, लेकिन जुलाई के अंत तक इसका उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। अतिरिक्त दवा नियंत्रक डॉक्टर कमलेश नायक के मुताबिक BVN स्थित इमेक्यूल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड को रेमडेसिविर इंजेक्शन के ट्रायल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये 100 mg का इंजेक्शन होगा। हिमाचल में बसों में अब 100% सवारियां बैठाने को जयराम कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। निजी बस ऑपरेटरों को 20 लाख रुपए तक वर्किंग कैपिटल लोन देने पर भी सहमति बनी है। पहले वर्ष निजी ऑपरेटरों को कोई ब्याज नहीं देना होगा, दूसरे वर्ष 50% और तीसरे और चौथे वर्ष पूरा ब्याज देना होगा। प्रतिवर्ष 2 लाख तक लोन लिया जा सकेगा। इस बाबत विस्तृत प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाया जाएगा। उसके बाद 1 जुलाई से इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। इसी तरह कोविड 19 काल के बीच हिमाचल सरकार ने वाहन मालिकों को ग्रीन सेस और फिटनेस फीस सितंबर तक माफ करने का फैसला लिया है। वाहन मालिकों से ये फीस 800 से 1000 रुपए तक ली जाती रही है। इसी तरह वाहनों की पासिंग के लिए अब पेंट कराने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ मैकेनिक पार्ट्स ठीक होने चाहिए। CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने छोटे बड़े वाहनों पर टैक्स पर लगाई जाने वाली पेनल्टी भी माफ कर दी है। इन्हीं खबरों के साथ आज का कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन सुनिए 7:30 PM। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।